हम क्यों कहते हैं कि शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाओ, मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, ये बार बार क्यों कहते हैं? क्योंकि शंकर भगवान के शिवलिंग में जो जल शिव पर चढ़ता है वो जल नीचे पार्वती जी के हस्त कमल पर आता है। जल जिस कामना से तुम चढ़ाते हो, तुम्हारी दिल की बात शंकर जी से टच होकर पार्वती जी तक पहुंचती है। अगर शिव जी नेत्र बंद करके बैठे हैं तो पार्वती उसको सुन लेती है, और माता पार्वती अपने बच्चों को खाली नहीं भेजती, इसलिए सुनकर सब कार्य करते हैं। वो माँ शिवलिंग पर जल चढ़ाने से केवल शंकर भगवान को जल नहीं चढ़ता, पार्वती जी को चढ़ता, गणेश जी को चढ़ता, कार्तिकेय को, जया को, विशारा, सामरीबारी, दौतरी, अशोक सुंदरी, सबको जल मिल जाता है। 33 कोटि देवी देवताओं को जल प्राप्त हो जाता है, केवल एक देवता को जल नहीं मिलता। आपको अलग अलग सारे देवताओं को अगर पूजोगे तो अलग अलग पूजना पड़ेगा, पर शंकर जी पे जल चढ़ा दिया तो 133 कोटि देवताओं को पूज लिया, फिर किसी को पूजने की जरूरत ही नहीं। भगवान तुम्हारा मन करे तो तुम पूजो। श्री शिवाय नमस्तुभ्य, हर हर महादेव। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें नए नए वीडियो के लिए, धार्मिक वीडियो के लिए।